युवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिसके गर्भ से अगर भगवान का भक्त पैदा हो जाए तब पुत्रवती कहलाती है, नहीं तो बच्चे तो कुतिया के भी पैदा होते हैं। बयानी न तरु बांझ अरु बाद बयानी, कुतिया भी ब्याती है, सुगरिया भी ब्याती है, और भी इंसानों के बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन पुत्रवती नहीं है। पुत्रवती तो तब होगी जब किसी भगवान का भक्त बेटा पैदा हो जाए। नेत्र सजल हो गए। ध्रुव जी महाराज को राज्य मिला है, जिसको न चाह रहे थे वो मिला। एक बहुत बढ़िया बात है, जो चाहते हो वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, और जो भाता है वो कभी रहता नहीं है। देखो ये सिद्धांत है, हमेशा जो तुम्हें चीज भा रही है वो रहेगी, जरूरी नहीं है। और उसके बाद में महाराज ध्रुव जी का छोटा भाई, इसको यक्षों ने मार दिया। कुबेर लोक पर ध्रुव जी चढ़ाई करते हैं, कुबेर को मारने को उद्यत हुए हैं, इनके बाबा ने मनु जी ने आकर हाथ पकड़ लिया। नायम मार्गो ही साधु नाम, ये साधुओं का मार्ग नहीं है, छोड़ो, क्षमा करो। आज्ञा मानकर अपने पितामह की छोड़ा। कुबेर ने कहा वरदान मांगो, कुबेर के आगे हाथ जोड़ करके कहा मुझे तो ठाकुर के चरणों की भक्ति दे दो, जीवन में इससे बड़ी चीज कुछ नहीं, भक्ति। और उसके बाद में महाराज ध्रुव जी महाराज ने वो पद पाया है जो आज तक कभी मनु ने नहीं पाया। ध्रुव पदम पिया तो ध्रुवोयम, मृत्यु के मस्तक पर पांव रख करके भगवत धाम जा रहे हैं। कहते हैं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, माँ भी जाएगी। कौन सी माता, जन्म देने वाली तो है, लेकिन जिसने गाली दी है वो माता भी जाएगी। जो ऊपर देखा विमान, ध्रुव बाद में जा रहे हैं, माता पहले जा रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और इन्हीं ध्रुव जी के वंश में अंग नाम करके राजा हुए, अंग के वेन हुए, बड़े पापी हुए। आप ये न समझे कि हमारे जीवन की भक्ति हो गई तो हमारे जीवन की भक्ति तो हमारे वंश में ही रह जाएगी ना। अगर संस्कार नहीं दिए, अगर अशास्त्रीय जीवन को जिया, अगर वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं किया, तो आप ये मत समझो ध्रुव जैसे के वंश में भी वेन जैसा अधम पैदा हो सकता है। अगर वंश को संवारना है तो शास्त्र के अनुकूल जीवन को चलाना। आज हुआ क्या, आज ब्याह होता है, ना गोत्र देख रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं, बोले छोरी ब्याह जाए बस, कुछ नहीं देखते। उसका कुल खानदान कैसा, कौन कहे अरे ब्याह दो बस, ठीक है सब हो जाए, ब्याह दो फिर ब्याह दो, जैसी इच्छा हो। अंग का जो विवाह हुआ है मृत्यु की पुत्री से हुआ है, और मृत्यु की पुत्री से विवाह हुआ तो जिसके संस्कार मारने वाले हों, उसकी बेटी भी तो वो संस्कार लेकर आएगी, और उसकी बेटी का जो बच्चा होगा क्या उसमें नाना मामा के संस्कार नहीं आएंगे। रावण पुलस्त कुल में पैदा हुआ, ब्रह्मा जी का पौत्र है, ठीक, पौत्र नहीं प्रपौत्र है, लेकिन रावण के अंदर संस्कार क्या वास्तविकता में ऋषि के थे, नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि नाना मामा राक्षस थे, मारी सुबाहु, तो नाना मामा के राक्षस। देखो रावण दिग्विजय करने निकला है, दिग्विजय, हाँ, सबको पराजित करता हुआ, लेकिन चक्रवर्ती नहीं बन पाया। चक्रवर्ती महाराज दशरथ थे। रावण जब गया है सारी पृथ्वी को जीतता हुआ तो अयोध्या में भी पहुंचा है, और अयोध्या जब पहुंचा है तो कहा सरजू के तट पर बसा हुआ ये नगर अगर अयोध्या को जीत लिया तो पूरी पृथ्वी का अंश ही कौन सा बचा, यही बचा। महाराज दशरथ के पास समाचार पहुंचा है कि रावण की सत्ता को स्वीकार कर लो। दशरथ ने कहा रावण अशांति प्रिय है और हम शांति प्रिय हैं, रावण अधर्म परायण है, हम धर्म परायण हैं,
रावण से कहो कि लौट करके चला जाए, वो युद्ध करना चाहता है और हम युद्ध की बिल्कुल इच्छा नहीं रखते। तो क्या आप डर गए? बोले रघुवंशी कभी किसी से डरता नहीं है, दशरथ कह रहे हैं। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करना चाहते। हम भयभीत नहीं है, हम किसी पर अन्याय नहीं करते। रावण अन्याय करता है, लेकिन अन्याय हम नहीं करते का अभिप्राय यह नहीं कि हम अन्याय सहन कर लेते हैं। अगर रावण अन्याय करने आएगा और युद्ध करने की इच्छा रखेगा तो हम बाकायदा रावण की युद्ध की इच्छा भी पूरी करेंगे। और समाचार पहुंच गया रावण के पास, रावण ने कहा अगले दिन चढ़ाई होगी। रावण का रथ और दशरथ का रथ आमने सामने खड़ा है, युद्ध के लिए तैयार। दशरथ ने उस समय पर भी कहा कि रावण तुमने दिग्विजय का संकट लिया है, इस अयोध्या की सीमा को छोड़कर तुम लौट जाओ। इतना समझ लेना कि अयोध्या के भूभाग को छोड़कर के तुमने पूरी पृथ्वी पर अपना आधिपत्य कर लिया। बोले रावण त्रिलोक को जीत चुका है, एक अयोध्या क्या चीज है? बोले अयोध्या में तुम्हारा आधिपत्य न कभी हो पाया न कभी हो पाएगा, और न अयोध्या तुम्हारी अधीनता को स्वीकार करेगी। रावण लौट करके चले जाओ, बेकार में क्यों लहू बहाते हो किसी का, क्यों इतनी हिंसा करते हो, क्या छाती पर रख के ले जाओगे? वीर लोग युद्ध करते हैं बाणों से, बातों से नहीं। संभालो मेरे अस्त्र शस्त्र के लिए। रावण और दशरथ का युद्ध बड़ा भयंकर हुआ है। रावण के साथ रावण के नाना भी हैं, इसको अग्नि को घी डालने का काम कर रहे हैं। युद्ध होते होते रावण भी चकित रह गया कि मेरे अस्त्र शस्त्र को काट कैसे रहे हैं। लेकिन अंत में जाकर के दशरथ ने एक बाण लगाया और बाण लगा करके संकल्प लिया, यदि मेरे जीवन में देवी देवताओं की पूजा तन मन धन से समर्पित भाव से मैं करता हूं, यदि मैं अपनी प्रजा का पालन एक पिता के समान करता हूं, यदि मेरे जीवन में धर्म के अतिरिक्त अधर्म का लेश भी ना हो, तो ये बाण इस युद्ध को तुरंत समाप्त कर दे और रावण को यहां से हटा दे, रावण की सेना सहित रावण को हटाकर युद्ध का विश्राम हो जाए। ये संकल्प लेकर के दशरथ ने बाण चढ़ाया, चलाने ही वाले थे कि ब्रह्मदेव ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने कहा दशरथ रुको। दशरथ ने देखा, ब्रह्मदेव प्रणाम। बोले रावण अवध्य है, रावण को शंकर जी का वरदान प्राप्त है। रावण जब तक मरेगा नहीं तब तक हारेगा नहीं, तो क्या मेरे इस बाण से रावण का वध लिखा है? रावण की मृत्यु जब आएगी तब मरेगा रावण, तो क्या रावण की मृत्यु मेरे इसी बाण से लिखी है? बोले नहीं, रावण बाद में मरेगा, अभी नहीं मरेगा, इसलिए ये बाण मत छोड़ना। दशरथ जी ने कहा तो फिर क्या युद्ध छोड़ दूं रघुवंशी होकर के? बोले नहीं, रावण लौट जाएगा, मैं रावण को समझा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया। उससे पूर्व दशरथ ने पूछा ब्रह्मदेव इतना और बता दो, ये प्रत्यंचा पर चढ़ चुका है बाण, इस बाण को क्या करूं मैं? लौट के तोणीर में जा नहीं सकता, रघुवंशियों की प्रतिज्ञा का बाण है। बोले इसको तुम अंतरिक्ष में छोड़ दो। दशरथ के पास से ब्रह्मा जी रावण के पास गए, रावण से कहा रावण लौट करके अपने लंका चले जाओ। रावण ने हारना नहीं सीखा, ब्रह्मदेव प्रणाम करता हुआ आपसे निवेदन करता हूं। बोले रावण यदि तुमने अनेकों सिद्धियां प्राप्त करी हैं, तो दशरथ की भी तुणीर सिद्धियों से भरी पड़ी है, इसलिए तुम दशरथ को पराजित नहीं कर पाओगे। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए यहां से बिना पराजय के अपने आप को जीता हुआ मान करके चले जाओ, लेकिन अब युद्ध मत करो। लंका में एक शुभ समाचार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। रावण को आज्ञा दी है, रावण ने प्रणाम किया है और वहां से लौटे हैं रावण, और दशरथ ने अपना बाण अंतरिक्ष में छोड़ा है।
नारायण, तो रावण जैसा पापी नाना मामा के गुणों को लेकर आया है। इसलिए विवाह जीवन में करो तो गोत्र इत्यादि वंश सब देख करके करना चाहिए, ऐसे ही विवाह नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो वर्ण संकरता आ जाएगी, दोष आ जाएगा। इसलिए ध्रुव जी के वंश में भी वीन जैसा पापी हो गया, और तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा कि अधम न वीन समान, वीन के समान दूसरा कोई अधम धरती पर न पहले कभी हुआ था न हुआ है। वीन को ऋषियों ने शाप दे करके नष्ट कर दिया, और वीन के पाप के कारण जब प्रजा अंग के पास आई थी तो अंग राज्य छोड़कर रात को चले गए हैं। भगवान का धन्यवाद देते हुए गए कि तूने नालायक बेटा दिया वीन जैसा, अच्छा किया। क्यों? बोले अच्छा बेटा देता तो घर नहीं छूटता, नालायक बेटा दिया है तो घर छुड़ाना चाहता है। जीवन में हर चीज में भगवत कृपा समझो। अंग ने घर छोड़ दिया है, और वीन को ऋषियों ने बाद में जब राजा बन के और पाप किए तो ऋषियों ने हुंकार मारकर समाप्त कर दिया है। अब राजगद्दी खाली है, कौन बैठे इस गद्दी पर? तब वीन के ही शरीर से, जंघा से तो निषाद उत्पन्न हुए, निषाद यही वो निषाद जाति है जो रघुनंदन राम से मिली, और दाहिने हाथ से प्रथु महाराज और बाएं हाथ से अर्ची महारानी उत्पन्न हुए, लक्ष्मी नारायण के अवतार हुए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जय कहा, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और महाराज उसके पश्चात प्रथु जी महाराज ने राज्य किया, खेती की परंपरा प्रथु जी महाराज ने चलाई है। पहले खेती नहीं होती थी, ऑटोमेटिक जनरेट होता था फसल, बाद में ये सिस्टम चला है। देखो हमसे पूछ रहे थे ना नंद बाबा कैसे, इससे सीखो। धरती दुनिया में ऐसी एक चीज बता दो जो धरती से उत्पन्न ना हुई हो, एक चीज। नष्ट होने वाली कोई भी चीज बताओ जो धरती से उत्पन्न ना हुई हो, है? धरती से उत्पन्न न हुई हो नष्ट होने वाली कोई भी चीज नहीं है, सब चीज धरती से। तो धरती ये गर्भा है, अपने गर्भ में बहुत चीजें छिपा करके रखी हुई है, सब चीज छिपी हुई है। तो पहले के समय धरती से हाथ जोड़ते थे कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए, सिद्ध जन तो धरती वो भी दे देती थी, सोना चांदी हीरे मोती पन्ना लोहा पीतल सब चीज धरती से उत्पन्न हुई नारायण। लेकिन धीरे धीरे करते करते धरती की अपनी क्षमताएं कम होने लगी। जैसे उर्वरक भूमि, अन्न पैदा करने वाली भूमि बंजर हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। ऐसे ही ऑटोमेटिक पैदा करने वाली वस्तुओं को धरती भी मैनुअल पर आ गई, खेती की परंपरा शुरू हुई, और ये महाराज प्रथु ने की है। उसके बाद में महाराज प्रथु जी के वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही नाम करके राजा हुए, प्राचीन बरही। प्रथु जी महाराज वृद्धावस्था में घोर तपस्या करने चले गए, और तपस्या करके बद्री नारायण में वही वानप्रस्थ आश्रम उन्होंने जीवन जिया है, और अंत में जाकर के उनका देह छूटा है तो अर्ची महारानी सती हुई है पति के साथ। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही ने इतने यज्ञ किए, यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाई, हिंसा करी। नारद जी ने आकर इनको समझाया ये काम गलत है। देखो आकाश में खड़े हुए बड़े बड़े जानवर तुम्हें देख रहे हैं, बोले कौन है? ये वो है जिनकी तुमने बलि चढ़ाई है, बलि चढ़ाना निषेध है, हिंसा है। बोले या यज्ञ विहिता हिंसा नसा हिंसा प्रकीर्तिता, यज्ञ में हिंसा हिंसा नहीं होती। बोले हिंसा एक नहीं होती, केवल काट दो ये हिंसा नहीं है। वाणी से तुमने गलत किसी को बोल दिया, उसके हृदय में ठेस लग गई, ये भी हिंसा है। मन की हिंसा, वाणी की हिंसा, कर्म की हिंसा, आपने किसी को थप्पड़ मारा हिंसा नहीं है? आपने मन से गाली दी तो हिंसा नहीं है? आपने वाणी से किसी को कठोर कह दिया हिंसा नहीं है? सब हिंसा है। राजा चरणों में गिर पड़े प्राचीन बरही, मेरी गलती का प्रायश्चित कैसे करूं? नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान सुनाया, बड़ा अद्भुत उपाख्यान है। आज मैं सोने वाली कथा नहीं सुनाऊंगा बिल्कुल भी,
पंचम स्कंद में ज्योग्राफी है, भूगोल है, मैं आज वर्णन नहीं करूंगा। आज केवल कथा, मूल कथा है, हालांकि वो भी मूल ही है, लेकिन हमने कल देख लिया, अनुभव कर लिया। कल थोड़ा सा सुनाए तो नींद आने लग जाती थी, आज की कथा में सब जागे हुए हैं, हमें दिख रहा है। नारायण, एक प्रसंग, एक पेड़ की डाल, उस पर दो पक्षी बैठे हैं, एक का नाम पुरंजन, एक का नाम अविज्ञात। एक है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। ये दोनों ही एक पेड़ की डाल पर बैठे हैं, दोनों मित्र हैं। परमात्मा है अविज्ञात और ये इसका मित्र है जीवात्मा, परमात्मा का। ये जीवात्मा कहता है, ध्यान देकर सुनो इस प्रसंग को, जीव और ईश की कथा है ये। जीव कहता है, यार परमात्मा, मकान की जरूरत है, कोई बढ़िया मकान मुझको मिल जाए। तो परमात्मा ने मकान बहुत सारे बनाए हैं, बहुत सारे मकान बनाए हैं, इसको दिखाए, बता तुझे कौन सा मकान पसंद है, कैसे मकान है ये। ये मकान सारे मोबाइल मकान है, मोबाइल मकान, मोबाइल मकान समझते हो, चलने फिरने वाले मकान है, चलते फिरते मकान बनाए हैं। इसको ध्यान देकर सुनना, एक पैर का मकान दिखाया, दो पैर का मकान, तीन पैर का मकान, चार पैर का मकान, छह पैर का मकान, आठ पैर का मकान, बहुत सारे पैर का मकान, बिना पैर का मकान, ये सारे के सारे घर हैं, चलने फिरने वाले घर। एक पैर का मकान, बोले भूत प्रेत, इनका एक ही पांव होता है, ये मकान कैसा है, अरे राम राम, देखते देखने में मन नहीं करता, इस मकान में नहीं जाएंगे, खंडर जैसा मकान, इसमें नहीं जाएंगे। भूत प्रेत के केवल एक पांव होता है। तीन पैर का मकान, ज्वर बुखार कफ वात पित्त, इसमें ना ना नहीं, इसमें ये मकान अच्छा नहीं। चार पैर का मकान, जानवर पशु, चार पैर चौपाया। फिर छह पैर का मकान, भौरा जो फूलों पर बैठता है, ये मकान, अरे नहीं नहीं, क्यों, अंदर बंद हो जाऊंगा फूल में, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ये बेकार है। आठ पांव का मकान, मकड़ी। बहुत सारे पैर का मकान, घिजाई, आज की भाषा में इसे जो समझो, एक वो रहता है कीड़ा, बरसात में निकलता है लंबा सा, उसके बहुत सारे पांव रहते हैं, इसमें ना ना ना, ना ये भी ठीक है, ले लिया था, घिन आती है इसको देख करके। और कोई मकान, बिना पैर का मकान, बोले कौन सा, बोले सर्प सांप स्नेक, बिना पांव का मकान है। उर्सा गच्छति इति उरक, बिना पैर के चलता है ये, बोले इसमें भी नहीं जाना, ये मकान भी अच्छा नहीं है। फिर दो पैर का मकान दिखाया, ये बहुत बढ़िया, बोले भगवान ने कहा ये वीवीआईपी मकान है, मनुष्य का शरीर, ये दो पैर का मकान, इसमें नौ दरवाजे हैं, नौ दरवाजे, नौ गेट हैं इस मकान में, नौ मकान, नौ दरवाजे, हाँ हाँ, कहाँ कहाँ, बोले देखो पांच दरवाजे तो पूरब में हैं, पांच दरवाजे पूरब में, ईस्ट में फाइव गेट, दो दो चार नासिका के छिद्र, और एक मेन गेट जिसमें लड्डू सीधा ही चला जाता है, ये पूरब में पांच दरवाजे। दो दरवाजे पश्चिम में है मलमूत्र के छिद्र, एक दरवाजा दक्षिण में, एक दरवाजा उत्तर में, ये दरवाजे कितने हो गए, पांच और दो सात और दो नौ, और एक दरवाजा और है, ये मोस्ट वीवीआईपी गेट है, हमेशा नहीं खुलता। आज खाटू श्याम जी गए तो आज एक नया दरवाजे से एंट्री करी थी, पीछे वाले से, बड़ा मोस्ट वीवीआईपी गेट महाराज, एकदम पीछे से, वहां से लोकल लोग ही घुसते हैं। मैंने कहा कमाल कर दिया भैया, ये वीवीआईपी गेट है, ये कौन सा है। अंत में छोरा फोड़ता है इस गेट को, आलू सिंह जी महाराज का नाम किसी ने सुना है ना, यहां तो सबने सुना होगा। आलू सिंह जी महाराज का एक पद है,
अरे दो पहिए की गाड़ी तेरी फसलो गाड़ी मां नगर पर चलती है, नगर पर चलती है। दो पहिए की गाड़ी तेरी फसलो गाड़ी मां नगर पर चलती है, नगर पर चलती है। अरे इंजन इसका अजब बनाया कारी कर करतार नगर पर चलती है, नगर पर चलती है। इसका अजब बनाया कारी कर करतार नगर पर चलती है, नगर पर चलती है। अरे पाप धर्म तो पटरी है गाड़ी आती जाती है, पाप धर्म तो पटरी है कर्म का सिग्नल लगता है गाड़ी वहां रुक जाती है, कर्म का सिग्नल लगता है गाड़ी वहां रुक जाती है। चल रही है गाड़ी एक स्टेशन दो स्टेशन, इसमें कितने स्टेशन है 84 लाख स्टेशन है, आकर 4,84,000 जो निर्भिरत जीव अविनाशी। लख 84 है स्टेशन, लख 84 है स्टेशन, करती है रफ्तार नगर पर चलती है, नगर पर चलती है। अरे दो पहिए की गाड़ी तेरी फसलो गाड़ी वा नगर पर चलती, नगर पर चलती है। अरे ज्यादा मत हंसो, क्यों एक दिन ये मकान भी छोड़ना पड़ेगा। अंतों तो तजेंगे पावर तू न तजे अब ही ते, मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई है अवसर बीते। ये गाड़ी बनने में समय कितना लगा, आहा। अरे 9-10 मास बनाने में इस गाड़ी को लगता है, 9-10 मास बनाने में इस गाड़ी को लगता है, 9-10 मास बनाने में इस गाड़ी को लगता है, 9-10 मास बनाने में इस गाड़ी को लगता है। 8 मास के पिंजड़े में, अरे 8 मास के पिंजड़े में वो पल पल गाड़ी रचता है, 8 मास के पिंजड़े में वो पल पल गाड़ी रचता है। अरे इस गाड़ी में पुर्जे लगे हैं, इस गाड़ी में पुर्जे लगे हैं, 9 नाड़ी 10 तार नगर पर चलती है, नगर पर चलती है। डिब्बे कितने डिब्बे हैं, 5 डिब्बे, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 डिब्बे हैं। और ये गाड़ी पहले गाड़ी चलती थी कोयला डाला जाता था, यहां पर भी गाड़ी चलती है लेकिन यहां पर भी कोयला, कहां? अरे तत्व के 5 लगे डिब्बे और साथ में इंजन भी लगा है, मन का इंजन लगता है, तत्व के 5 लगे डिब्बे मन का इंजन लगता है, उधर की अग्नि में भाया कोटे में कोयला पड़ता है, उधर की अग्नि में भाया कोटे में कोयला लगता है। भजन बैटरी इस गाड़ी ओ भजन बैटरी इस गाड़ी दूर करे नगर पर चलती है, नगर पर चलती है। अरे दो पहिए की गाड़ी तेरी फसलो गाड़ी मां नगर पर चलती है, नगर पर चलती है। अब गाड़ी तो चल रही है अब यहां पर, हाँ सदगुरु आ गए।
ज्ञानी राम है सदगुरु, हाथ में झंडी लग रहे, लाल झंडी दिखाई, गाड़ी रोको, क्यों? आगे खतरा है, आगे विषय का घट्टा है, वासना का घट्टा है, गिर जाओगे। अच्छा दिशा बदलो, बदलो दिशा, दिशा बदली, अब ग्रीन ग्रीन दिखाया सिग्नल, इस रास्ते पे चलो, उधर वासना का घट्टा है, इधर उपासना का उपवन है, इधर बढ़ो आगे। ये गुरु है, लेकिन बीच बीच में टिकट चेक करने वाले भी आते हैं, बुद्धिमान लोग, ये सही रास्ते पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, परीक्षा लेने वाले। ज्ञानी राम जी गार्ड बने, हाथ में झंडी रखते हैं, ज्ञानी राम जी गार्ड बने, हाथ में झंडी रखते हैं, बुद्धिमान चेकर इसका टिकट चेक वो करते हैं, बुद्धिमान चेकर इसका टिकट चेक वो करते हैं, कहे आलू सिंह इस गाड़ी को, कहे आलू सिंह इस गाड़ी को, समझे समझन नगर पर चलती है, 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 नगर पर चलती है। ये पुरंदर उपाख्यान, अब इसको सार में यहां सुनाऊंगा तो नींद आ जाएगी। ये पुरंदर उपाख्यान क्या है? जीवात्मा को परमात्मा ने मकान दे दिया, रहो, ये भूल जाता है और मकान को ही मैं मान लेता है, बस यही समस्या है। मकान अलग है, आप अलग हो, आप मकान में रहते हो, मकान को अपने में मत रखो। आप संसार में रहते हो, संसार को अपने में मत रखो। मैं मकान नहीं हूं, मैं मकान मालिक हूं, हाँ मैं मकान मालिक हूं, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर का नहीं हूं, अभी इस शरीर में हूं, कल दूसरे शरीर में चला जाऊंगा, परसों तीसरे शरीर में चला जाऊंगा, लेकिन जब व्यक्ति इस मकान को ही मैं मान लेता है, तब तब मकान के जाने में ये रोता है, मकान के जाने में रोता है, अरे मकान और मिल जाएंगे, क्या समस्या है? पुरंजन को मकान मिला, विवाह हुआ, पत्नी हुई, बच्चे हो गए, बहुत सारे बच्चे हो गए, एक नगर ही बस गया इसके नाम से, पुरंजन नगर। बाद में आक्रमण हो गया, 720 गंधर्व गंधर्वियों को लेकर के दिन रात ने आक्रमण किया। आप क्या समझ रहे हो? एक दिन सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त हुआ, एक दिन की आयु निकल गई। हाँ, आप ये मत समझो, देखो लोग कहते हैं हम बड़े हो रहे हैं, 50 के हो गए, 60 के हो गए, इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो ये भी तो कह सकते हैं, जितनी आयु हम भगवान से लेकर आए थे उसमें से उतनी आयु निकल गई। और हकीकत यही है, इंसान जितनी आयु लेकर आया उतनी आयु उसकी व्यर्थ जा रही है। कैसे जीवन बीत रहा है? मुट्ठी की रेत जैया समय सरक रही, मुट्ठी की रेत जैया समय सरक रही, चीते क्यों न बैरी मनवा, चीते क्यों न बैरी मनवा, बिजुरी चमक रही, मुट्ठी की रेत जैया समय सरक, ये जो समय बड़ा कीमती है, बिजली
मौत की चमक रही है। जितनी सच है मृत्यु उतना सच्चा जीवन, जीवन को ही ठुकरा बैठे कर मृत्यु से अनबन। एक सिक्के के दो हैं पहलू, एक सिक्के के दो हैं पहलू, जीवन मृत्यु निधान, एक बिना दूजा सोना है प्रकृति दिव्य विधान। और मनोज जीवन है तब ही तत्व समझ ले कोई, ना समझी में जन्म गवायो पड़े भवर में सोई। न समझे तो जीवन बेकार बीत रहा है, याद रखो महाराज। एक बहुत बढ़िया भाव, ये जीव भूल गया अपने आप को, याददाश्त हो गई इसकी, ये भूल गया कि मैं परमात्मा का मित्र हूं। इसने संबंध संसार से जोड़ लिया, मैं तो संसार का हूं। जब तक मकान नहीं मिला था तब तक भगवान का था, मकान मिलने पर संसार का हो गया। फिर रोता है, मरना चाहता है, तब एक दिन भगवान स्वयं आ जाते हैं। मरने लगा, अरे क्यों मर रहा है, तू मर नहीं सकता, तू मकान को नष्ट कर देगा, तू नष्ट नहीं होगा, तू मेरा सखा है। हाँ, तू मकान को नष्ट कर देगा, ये मकान तुझे साधन के लिए दिया, बर्बाद कर दिया इसको तूने। मर मत, पहचान तू कौन है। और फिर अंतिम क्षण में इसे पहचान होती है, नाथ में तो तुम्हारा हूं, कहां फंस गया था आकर के। बिंदु जी महाराज ने इसी बात को कहा, दया मुझ दीन पर, दशा मुझ दीन की, भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की, भगवन संभालोगे तो क्या होगा। तुम्हारे चरणों की भक्ति में मुझको लगा लोगे तो क्या होगा। ये कहता है तू मेरा है, वो कहता है तू मेरा है, बेटा कहता है मेरा पिता, बेटी कहती है मेरे मम्मी। ये कहता है तू मेरा है, वो कहता है तू मेरा है, मैं किसका हूं। ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूं, ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। और तुम्हें झगड़ा मिटाते तब पता लगता है। फिर ये जीव भी कहता है, मैं तो तुम्हारा ही था, भूल गया था। इसी का नाम पुरंजन उपाख्यान है बस। और बार बार हम भूल जाते हैं, बार बार हमें याद कराया जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन इसी का नाम है। पहले खुद को पहचानो, उसको बाद में जानो, पहले खुद को जानो, तुम कौन हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम पूछे तुम कौन हो तो क्या कहेंगे। मैं अनुराग कृष्ण शास्त्री हूं। अरे ये अनुराग कृष्ण शास्त्री तो तुम्हारा नाम है शरीर का। हम पूछ रहे तुम कौन हो। मैं विनय जोशी हूं। ये तो नाम है तुम्हारे शरीर का। जब पेट में थे तब नाम थोड़ा ही था, बाहर आए तो नामकरण हुआ। नाम तो तुम्हारे देह मिलने के बाद में हुआ है, देह नहीं मिला था तब कौन थे तुम। हम भूले पड़े हुए हैं कि हम हैं कौन इस दुनिया। अच्छा एक बात बताओ, कोई पूछे क्या करते हो, बोले व्यापार करता हूं। अरे क्यों करते हो, अरे क्यों करता हूं क्या, कमाने के लिए। अच्छा क्यों कमाते हो, खाने के लिए। क्यों खाते हो, जीने के लिए। और क्यों जीते हो, अरे मौज मस्ती करने के लिए। बोले वो तो पशु पक्षी भी करते हैं। एक मच्छर वो खून पी रहा है, ए क्या कर रहा है। मच्छर ने कहा दिखता नहीं, आई एम ऑन ड्यूटी, मैं काम कर रहा हूं। क्या काम कर रहा है, खून पीना मेरा काम है। खून क्यों पीता है, जीने के लिए। क्यों जीता है, सोच में पड़ गया। आदमी ने थप्पड़ मारा, बस थप्पड़ खा के मर जाने के लिए।
तेरी जिंदगी इतनी ही रह गई, जीने का उद्देश्य नहीं मालूम। हम भूल गए कि हम क्यों हैं, हम किस लिए हैं, हम किस लिए इस धरती पर आए, स्वयं को भूले बैठे हैं। भगवान के द्वारा, संत के द्वारा याद दिलाया जाता है ग्रंथ के द्वारा कि तुम कौन हो, तब जाकर के स्मरण हो और वो स्मृति बनी रहे, ये बड़ी बात है। पंचम स्कंद आरंभ हो रहा है। पंचम स्कंद में भूगोल और खगोल का वर्णन है। यही ज्योग्राफी है पूरी, यही साइंस है पूरी। ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, बस इतना एक एक आकलन बता रहा हूं, पृथ्वी कितनी बड़ी है, इसके बाद नहीं बताऊंगा, एक चीज और बता दूंगा लेकिन पूरा नहीं बता रहा। ये पृथ्वी है 50 करोड़ योजन विस्तार। अब आज की साइंस से मिलाओ इसको, 50 कोटि विस्तृतम धरणी, 50 करोड़ योजन विस्तार वाली ये पृथ्वी कैसी है, बोले कमल पत्र के समान गोल। कमल पत्र, पृथ्वी को लोग गोल नहीं बोलते, विज्ञान नहीं मानता, तो हमारे यहां भी गोल नहीं कहा, कहा कमल पत्र के समान। कमल का पत्र कैसा है, गोल है, नहीं है ना, पृथ्वी भी गोल नहीं है, ये शास्त्र कह रहा है। पृथ्वी कमल पत्र के समान गोल है, एक चूड़ी के समान गोल नहीं, रिंग के समान गोल नहीं, एक कमल पत्र के समान गोल है। और 50 करोड़ योजन का अर्थ क्या है, एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 4 कोस में 12 किलोमीटर, तो 50 करोड़ योजन गुणा 12, उसके बाद निकालो आकलन करो, लगभग लगभग बराबर सा आ जाए तो समझ लेना आज की साइंस ठीक कह रही है, मैच कर लेना इसको, यहां की कैलकुलेशन गलत नहीं है, और कैलकुलेशन गलत हो सकती है लेकिन शास्त्र की कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकती। और इन इस भूगोल में, इस पृथ्वी पर 9 खंड हैं, उन 9 खंडों में एक खंड का नाम भारत खंड है, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, भारत वर्ष। ये भारत खंड के अंतर्गत भारत वर्ष है। द्वीप जम्बू द्वीप आता है ये हमारा, ऐसे 7 द्वीप हैं अलग अलग, हाँ अलग अलग। और उसके बाद में महाराज नरकों का वर्णन किया कि नरक कैसे है, नरक कहां है, बोले दक्षिण दिशा की ओर नरक है। इसलिए जब कभी भी किसी को जिमाया जाता है, ब्राह्मण को श्राद्ध में, तो दक्षिण की ओर मुंह करके जिमाया जाता है, नरक दक्षिण की ओर। जब आदमी जाता है तो उसका पांव भी दक्षिण की ओर किया जाता है कि अब जाने का समय है। और महाराज जो जो कर्म जो प्राणी करेगा उसे कर्म के अनुसार जाना ही पड़ेगा, हाँ भोगना पड़ेगा। इसी को विज्ञान कहता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो हर एक कर्म की एक प्रतिक्रिया होती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हमारे यहां शास्त्र इसी को कहा नरक वर्णन, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। हाँ, और महाराज उसके बाद में राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नरकों से बचने का उपाय तो बताओ, नरकों से बचने का उपाय क्या है, तो कहा हमें नरक में ना जाना पड़े, हमें जेल में ना जाना पड़े। अब हमसे गलतियां तो बहुत सारी हो गई हैं, हमसे जान करके अनजाने में गलती तो हुई, हमें नरक में ना जाना पड़े इसका उपाय क्या है। बोले भैया एक बात याद रखो, बहुत सारे साधन हैं पाप को धोने के लिए, सबसे बड़ा साधन तो प्रायश्चित है। अगर आपके जीवन में प्रायश्चित है तो आपके पाप धुल जाएंगे, लेकिन प्रायश्चित से पहले आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना पड़ेगा कि हाँ आई हैव डन दिस मिस्टेक, मुझसे गलती हुई है। बिना गलती के दुनिया के आगे कह दो अच्छा ठीक है माफी मांगते, हो गया अब तो ठीक है, तो आपकी गलती माफ नहीं है। गलती माफ तो तब होगी जब पहले गलती को आप स्वीकार करो,
कई लोग विवाद को खत्म करने के लिए कह देते हैं, अच्छा ठीक है मेरी गलती हो गई अब तो ठीक, विवाद खत्म करने के लिए कहते नहीं कहते, अच्छा बाबा काहे झगड़ा कर रहे हो, मैं गलत हूं अब तो ठीक, आप तो सही हो अब माफ करो। और आप गलत वाकई में हो तो आप पहले उस गलती को एक्सेप्ट करो, फिर उसके बाद में वो सुधार प्रायश्चित हो कि हमसे गलती हुई। अगर आप सही हो तो आप एक आपको क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप सही हो तो, आप सही हो तो गुस्सा क्यों कर रहे हो, और अगर आप गलत हो तो आपको क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं है। आप गलत हो क्यों क्रोध कर रहे हो, यू हैव नो राइट टू एंगर, किसी पर भी क्रोध करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और सही हो तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन। अब पाप धोने हैं तो कोई कहता है गंगा नहा लो पाप धुल जाएंगे, कोई कहता है यमुना, लेकिन सबसे बड़ा साधन मैं आपको बता रहा हूं, पाप धुल जाए और जीवन में पाप होवे नहीं, उसके लिए सबसे बड़ा साधन है भगवान नाम। नाम नोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकम् पातकी जनाः। पापी में पाप करने की इतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी भगवान के नाम में पाप को धोने की सामर्थ्य है और पाप करने की प्रवृत्ति को रोकने की सामर्थ्य है। देखो चार हार हैं प्रभु से मिलने के लिए, चार हार, ये चार चीजें ऐसी हैं जो प्रभु से मिला देंगी। किसी का आश्रय ले लो, कोई हार ले लो, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण हार कौन सा है? चार हार प्रभु मिलन हितु संतन की ओ विचार, चार हार प्रभु मिलन हितु संतन की ओ विचार, धाम रूप लीला ललित नाम सर्व आधार। धाम रूप ललित लीला तीन हो गए, लेकिन चौथा है नाम सर्व आधार, सभी का आधार भगवान नाम है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। आज सब नाम के अधीन है, आज दर्शन करके आए, कोई पूछेगा किसका, बोले खाटू श्याम का, नाम लेना पड़ा कि नहीं, अरे बड़ा सुंदर रूप था महाराज, अरे किनका रूप था, अरे गोविंद देव जी का रूप, क्या सुंदर रूप है, नाम लेना पड़ा कि नहीं पड़ा, अरे हम तो धाम होकर के आए हैं, अरे कौन से धाम होकर आए हो, अरे अभी रामेश्वरम धाम होकर आए हैं, नाम लेना पड़ा कि नहीं पड़ा। हमारे गुरुदेव कहते थे कि एक खाट के चार पाए, एक पाए को पकड़ो और खींचो तो तीनों पाए खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, अगर नाम का पाया पकड़ लिया और नाम के पाये को पकड़ के खींचोगे तो भगवान का रूप भी सामने आ जाएगा, भगवान की लीला भी सामने आ जाएगी, भगवान का धाम भी सामने आ जाएगा। नाम से बड़ा कोई साधन है ही नहीं। हाँ नाम की महिमा बताइए भैया, देखो राम नाम जपताम को तो भय भय, जिसके जीवन में राम का नाम है उसे भय किस बात का, राम नाम जपताम उतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र संनिधौ पाविकोऽपि सलिलायते धुना। नाम की शक्ति कैसी है, ये नाम बोले नाम जप करने वाले को कभी डरना नहीं चाहिए कि मेरा क्या होगा, नाम ही बेड़ा पार लगा देगा। नाम जप करने वाले साधक को कभी डरना नहीं चाहिए, रोग आ जावे रोगी हो जाओ, राम नाम एक औषधि खरी रीति से खाए तो अंग रोग उपजे नहीं और भव रोग मिट जाए। राम नाम एक औषधि है, 10 अपराध से बच करके खाना, खरी रीति का मतलब यह है
होम्योपैथिक गोली जब दी जाती है तो डॉक्टर कहता है बोले हाथ में रख करके मत खाना। खरी रीति यही है, मिर्च मत खाना, खटाई मत खाना, ये खरी रीति है। तो नाम जप करने वाले साधन साधक के लिए भी 10 अपराध हैं, इनसे बच करके नाम जपना, 10 अपराध, 10 अपराध। कौन कौन से 10 अपराध हैं? सबसे पहली बात, नाम जप करने वाले साधक के लिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर नाम जप करने वाला साधक किसी की निंदा कर रहा है तो दवाई असर नहीं करेगी, एक। दूसरा, कभी किसी की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। अब क्या करें, ये कान तो चटकीली चटकीली बातें सुनने के लिए, मसालेदार बातें सुनने के लिए पागल हो रखे हैं, ये तो सुनते ही सुनते हैं। तो किसी की निंदा सुनोगे तो नाम जपने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सावधान, विष्णु और शंकर में कभी भेद नहीं करें। हाँ, अपराध बन गया नारद जी से, तो राम जी से कह रहे हैं कि अपराध बन गया, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। बोले जाऊं जपाऊं शंकर सतनामा, शंकर के 100 नाम जप करो जाकर के, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। शंकर और विष्णु में कभी भेद नहीं करना चाहिए। और गुरु, वेद, शास्त्र, इनके वाक्य में कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। गुरु जी ने ऐसा कह दिया, अरे कोई बात, बेकार की बात है, गुरु जी कहें कोई जरूरी थोड़ी, हर चीज गुरु जी कहें, गुरु जी कहें वो सही है। गुरु की बात में, वेद की बात में, शास्त्र की बात में कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। नाम की महिमा को झूठी नहीं समझनी चाहिए। ये तो कहने वाले कहते हैं, नाम से कुछ हो जाएगा क्या? अरे नाम से सब कुछ होगा। लौके को उदाहरण दूं, तुम्हारे पासपोर्ट पर तुम्हारा नाम नहीं होगा तो जर्नी नहीं कर पाओगे। नाम से सब कुछ होगा, तुम्हारे नाम की टिकट नहीं होगी तो ट्रेवलिंग नहीं कर पा रहे हो, ट्रेन की कर पाओगे? जब एक साधारण तुम लोगों का और हम लोगों का नाम पासपोर्ट पर होने पर, और वीजा लगे, वीजा पर भी नाम लगता है, नाम लगा, मोहर लगी, जब लगता है तब ट्रेवलिंग करते हो। नाम की महिमा यह है। अगर साधारण इंसान के नाम में इतनी ताकत है कि उसके नाम से इस दुनिया की यात्रा हो सकती है, तो भगवान के नाम की सामर्थ्य यह है कि भवसागर की यात्रा कराकर सीधे भगवत धाम पहुंचा सकती है। ये भगवान नाम की सामर्थ्य है, ये साधारण नहीं है। तो नाम की महिमा को कभी झूठी ना समझो। और अगली बात, नाम की ओट में कभी पाप ना करो। अरे हम तो इतना नाम लेते हैं, 2-4 पाप कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? नाम की ओट में कभी पाप नहीं करो, ये नाम का अपराध है। नाम की ओट में कभी विधि का त्याग मत करो। संध्या कर रहे हो, अरे हमारे गुरुजी ने हमें भगवान नाम दिया, अभी ये सब गायत्री वायत्री कौन जपे, भगवान नाम जपेंगे, हम तो नाम दे दिया। नाम की ओट में, अरे जनेऊ क्या पहनना, हम तो गुरु जी के हो चुके, हम तो गुरु जी के हो चुके, तो गुरु जी के हो गए तो विधि का त्याग क्यों कर रहे हो भाई? गुरु जी ने नाम दिया, नाम जप रहे हैं तो नाम जप रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन विधि का त्याग क्यों कर रहे हो? नाम जप करने में विधि का त्याग कभी ना करो। और नामों से भगवान का मिलान कभी मत करो, और नामों से मिलान मत करो। ये समझ में आया नहीं आया अंत? किसी और नाम से एक हास्य की बात बता देता हूं, थोड़ा हंसी आ जाएगी, लेकिन हंसी नहीं समझने के लिए बात कह रहा हूं। एक बार अकबर ने कहा बीरबल से, अरे ओ बीरबल, हुकुम सरकार, तुम्हारे जितने भगवान है ना, हमारे नाम से बड़े मिलते जुलते हैं। बीरबल ने कहा महाराज कैसे? बोले देखो, सियावर, राधावर, उमावर, ऐसे अकबर, तुम्हारे भगवान के नाम हमारे नाम से मिलते जुलते हैं। बीरबल तो हाजिर जवाब थे, चुप कहां बैठते हैं। बीरबल ने कहा महाराज ऐसे तो गोबर भी होता है, हर नाम की हर किसी के नाम से तुलना थोड़ी की जाती है। भगवान नाम की महिमा अपनी है और जीव के नाम की महिमा अपनी है।
इस विषय में अजामिल उपाख्यान सुनाया। अजामिल ब्राह्मण था, ज्ञानी था, लेकिन दृष्टि एक बार वैश्या शूद्र की गोद में बैठी हुई ये नजर आई तो दृष्टि गलत पड़ी, भाव दूषित हुआ, वैश्या के आना जाना शुरू हुआ, धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। अब एक दिन एक संत आए, संत ने कृपा करी, संत ने कहा ये तेरी पत्नी है? बोले नहीं, वैश्या है, वैश्या घर में लेकर आ गया। बोले इसके घर इसका त्याग कर दे। संत ने बताया कल्याण चाहता है तो एक काम कर, बुराई को छोड़ दे। ठीक, बोले छोड़ नहीं सकता तो एक काम कर, अगर इस बुराई को छोड़ नहीं पा रहा है तो इस बुराई से जो पैदा होने वाला बालक होगा, इस वैश्या से उत्पन्न होने वाला बालक होगा, उसका नाम तू नारायण रख देना। हाँ ये ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, तू बुराई नहीं छोड़ सकता तो भगवान नाम पकड़ ले, भगवान नाम। अब इसने भगवान नाम पकड़ा, इसके बच्चा हुआ, नाम रखा नारायण। अब नारायण रखने से हुआ क्या, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते केवल नारायण का नाम लेवे। परिणाम यह हुआ कि एक दिन यमदूतों ने पास गले में डाली है, जब प्राण निकलने लगे तो आवाज लगाई इसने, महाराज चिल्लाया उच्च तेज स्वर में, पुत्रम नारायण वयम, पुत्रम पुत्र नारायण, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण। नारायण के पार्षद आ गए और उन्होंने यम की पास को काट दिया और यमराज ने कहा यह पापी है, इसकी यमदूत लेने आए हैं। हम यमदूत हैं, यमदूत हो तुम, छोटी सी कोतवाली के कोतवाल हो। बोले आप कौन हो? बोले पूरे भारत की सिक्योरिटी एजेंसी के हेड है, पूरे विश्व की सिक्योरिटी एजेंसी के हेड है, इनको ले जा नहीं सकते। बोले महाराज ये पापी है। बोले मरने से पहले हमारे स्वामी का नाम इसने लिया है, ये पुण्यात्मा हो गया। बोले महाराज आपके स्वामी का नाम नहीं लिया इसने, तो अपने पुत्र का नाम लिया। तो नारायण के पार्षद बोलते हैं कॉपीराइट किसका है? कोई सूपण खा कुंभकर्ण क्यों नहीं रखता? अरे कॉपीराइट हमारे भगवान का है, हमारे भगवान का नाम लिया है, ले जा नहीं सकते। अब तो महाराज क्या कहना, यमदूत बोले ले जाएंगे। नारायण के पार्षद ने ऐसी मार मारी, हाथ पांव तोड़े और ये रोते रोते यमदूत के पास, यमराज के पास आए। यमराज से कहा महाराज किसको लेकर आए और किसको नहीं लाए, पहले नियमावली बताए दो। तो दूत कहे हे नाथ नियम हमको बतलावे, जाए न किन के पास पकड़ किन को हम लावे। धर्मराजियों कहे नाम हरि जिन उचारे, चित में चरण कमल प्रभु के कब हूं नहीं धारे। अरे ना ही नवे श्री कृष्ण को हरि चर्चा दीजे विमुख, जो वाणी पर नाम नहीं लेते, जिनके चित्त में भगवान के चरण कमल नहीं होते, जिनके कान में भगवान की कथा नहीं जाती, जिनका मस्तक भगवान के चरणों में झुकता नहीं है, लाओ तिनको पकड़ के ते ही उठावे नरक दुख, वही नरक दुख उठाएंगे। तो कहा महाराज कथा आपकी सुनते हो तो उनको लेकर नहीं आना चाहिए? बोले नहीं, और जो कथा में सो जाते हैं वो? बोले उनको भी लेकर के मत आना। बोले क्यों? बोले सो जाते हैं तो सो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कम से कम बैठे बैठाए श्रोताओं की संख्या में तो वृद्धि कर ही रहे हैं, सोने वालों को भी लेकर मत आओ, कथा में तो बैठे हैं। अब तुम देखो अजामिल का उद्धार नाम महिमा से नहीं हुआ, हाँ अजामिल का उद्धार नामाभास से हुआ। नामाभास और नाम दोनों में अंतर है। नामाभास क्या है? नाम तो भगवान का है लेकिन मेरा बेटा है श्री हरि। अब श्री हरि है तो हमारा पुत्र लेकिन नाम भगवान का है। अब जब हम श्री हरि कहते हैं तो पुत्र का भाव आएगा कि नहीं आएगा? भाव भले ही पुत्र का आया, केशव गोविंद नाम भले ही पुत्र का आया, भाव भले ही भगवान का नाम आया, लेकिन भाव तो पुत्र के लिए बनेगा। अगर नाम भगवान का है और भाव इंसान का है उसको कहते हैं नामाभास, और नाम भी भगवान का है और भाव भी भगवान के लिए है उसे कहते हैं नाम। तो अजामिल का उद्धार तो केवल नामाभास से हो गया,
अगर अजामिल जैसे का उद्धार नामाभास से हो सकता है, यदि हम भगवान नाम का आश्रय सच्चाई में ले लें तो बेड़ा पार भव सागर से हो जाएगा। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने